मैं हूँ विनय सिंह, पारा शिक्षकों को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज हम बताएंगे कि सलीहा बेगम को जो चिट्ठी मिली है वो भी आपको दिखाएंगे कार्यमुक्त करने का, और विभिन्न विधायक और सांसद के घर में जो पारा शिक्षकों का डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम है वो भी दिखाएंगे। साथ में ये बताएंगे कि जो पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से पारा शिक्षकों का एक चिट्ठी आज मीडिया को जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अपील किया है कि उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और बातचीत चल रही है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि सरयू राय मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और इस संबंध में मुख्य सचिव से भी सरयू राय ने पारा शिक्षकों के सामने ही फोन पर बात किया है। ये जानकारी पूर्वी सिंहभूम एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सुमित तिवारी ने झारखंड अब तक लाइव से बात करते हुए दी। साथ ही साथ खंडेलवाल जी से भी बातचीत हुई है जो झारखंड सरकार में है। आपको बता दें कि खंडेलवाल कमेटी ने ही सबसे पहले ये अड़ंगा लगाया था कि जो कैसे उन्हें पैसा दिया जाए, अगर छत्तीसगढ़ में जो बात पारा शिक्षक कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वहां पर नियमावली के अनुरूप अपॉइंटमेंट हुआ था, जबकि झारखंड में ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था। तो इसमें ये बताया गया है, जो लेटर हमारे पास आया है उसमें यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सभी पारा शिक्षक बंधुओं से अपील किया जाता है कि वो एकजुट रहे और सरकार के झांसे में आकर आंदोलन नहीं छोड़े, अपना आंदोलन को लगातार जारी रखें। सरकार जो कुछ भी कह रही है ये संभव नहीं है कि 67,000 पारा शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों की बहाली की जाए। अब आपको हम बताते हैं कि झारखंड में इस समय टेट पास कितने लोग हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 52,000 टेट उत्तीर्ण छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। 2013 से 2014 से और 16 से क्रमशः नौकरी के इंतजार में हैं। इन्हें भी चिट्ठी भेजा गया है लेकिन इसमें से अधिकांश लोगों ने जाने से रिफ्यूज कर दिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 80 टेट उत्तीर्ण ही पूरे झारखंड में जाने को इच्छुक दिखे, जिन्हें काम पर भेजे जाने की अनुशंसा की गई है। अधिकांश टेट पास अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो 200 रुपये प्रतिदिन में काम करने नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग इलाके से ये भी खबर आ रही है कि सरकार अब अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन किया है। अब गवर्नमेंट ने मुख्य सचिव के स्तर से और झारखंड सरकार के कई मंत्रियों को जिम्मा दिया है कि वे पारा शिक्षकों से बात करें और उन्हें ये मनाए कि कम से कम अस्थाई वाली मांग वो छोड़ दें, उसके जगह पर कुछ वेतन बढ़ा दिया जाए। जो वेतन वर्तमान में 8,000 है उसे 10-12,000 किया जाए और 12,000 या 10,000 वाले को बढ़ाकर 3-4,000 रुपया की उसमें बढ़ोतरी करते, मतलब 15-16,000 रुपये हो जाए तो पारा शिक्षक अपना हड़ताल तोड़ देंगे। इस सरकार को ऐसा अंदेशा है, सरकार इसी तरीके से काम अब कर रही है। एक ओर से सरकार ने सख्ती दिखाया है, लेटर बनाया, संडे को भी लेटर जारी किया। दूसरी ओर सरकार ने जो लोग हुटवार जेल में बंद है उन्हें कार्यमुक्त करने का भी आदेश दे दिया है। हम आपको विभिन्न विधायक सांसद के घर में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाएंगे, उसके पहले आपको दिखाते हैं ये चिट्ठी जो हमारे पास पहुंचा है, सलीहा बेगम को कार्यमुक्त करने की चिट्ठी। इस चिट्ठी को आप गौर से देखें, इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सलीहा बेगम पद का नाम पिता सावन अंसारी 15 से 20 नवंबर तक जो टीचर लगातार एब्सेंट है स्कूल बाबनगोड़ा, सभी लोगों को ऐसे लोगों को कार्यमुक्त किया जाए। सरकार ने चिट्ठी आज जारी कर दिया और ये चिट्ठी सलीहा बेगम के घर में भी भेज दिया गया है रजिस्ट्री के माध्यम से, लेकिन प्रेस में चिट्ठी पहले आ गई। आपको मैं बता दें कि सलीहा बेगम के साथ रांची फुटबार जेल में बंद जितने भी पारा शिक्षक हैं, तकरीबन 280 में इनकी संख्या है, ये सभी लोगों को कार्यमुक्त करने का एक लेटर जारी किया गया है। सरकार मानती है कि इन्होंने गंभीर अपराध किया, क्योंकि स्थापना दिवस के दिन काला झंडा दिखाना ये गलत था।
इसलिए इनके साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं की जाएगी। जो लोग 15 तारीख से 20 नवंबर तक लगातार अब्सेंट रहे और अलग अलग जगह में आंदोलन करते रहे, दूसरे चरण में सरकार इन लोगों को भी हटाने के लिए चिट्ठी जारी करेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने मुख्य सचिव के स्तर से बातचीत का भी रास्ता खोल कर रखा है कि पारा शिक्षक कड़ाई की बात मान जाए और अपनी अस्थायीकरण की मांग को छोड़ दे। वो ये मान लें कि उन्हें जो सैलरी मिल रहा है उसमें अगर 30% तक का भी इजाफा कर दिया जाए तो वो खुश हो जाएंगे। इसी लिहाज से गवर्नमेंट अब काम कर रही है एक और से कड़ाई, जिससे बताना चाह रही है कि सरकार नहीं झुकेगी। पारा शिक्षक अगर हड़ताल तोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी तोड़ते हैं तो उनके मन में डर आएगा और कुछ लोगों को जरूर अपॉइंट करेगी। सरकार की योजना ये है कि वह कुछ टीचर को जो टेट पास है उनको पारा शिक्षकों के स्थान पर नियुक्त कर दे। सरकार को भी पता है कि पारा शिक्षकों को हटाना इतना मुश्किल है उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। ग्राम शिक्षा समिति के पास पहले इकरारनामा को देखना होगा, 1 महीने की नोटिस जारी करनी होगी, तभी जाकर के सब कुछ हो सकता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग स्थान पर जो पारा शिक्षकों ने विधायक के घर में, सांसद के घर में धरना प्रदर्शन किया है, घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम। अलग अलग इलाके में हमारे पास खबर आ रही है कि विधायक के घर के पास टेंट लगाकर पारा शिक्षक रुके और रात को वहीं पर खाना बनाया, खाया, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ज्ञापन सौंपा सरुराय को, आज साथ में सरुराय को आज छत्तीसगढ़ की नियमावली की कॉपी आज उपलब्ध करवाई गई है। सरुराय जी ने कहा था कि उन्हें पहले वो चिट्ठी दिखाया जाए कि अलग राज्य में पारा शिक्षकों को कितना पेमेंट मिलता है और क्या नियमावली बोल रही है। इसी तर्ज पर आज पारा शिक्षकों के चिट्ठी को आज सौंपा गया है और जो पूर्वी सिंहभूम है डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन है, जो आपके अध्यक्ष हैं पारा शिक्षक संघ के, उन्होंने आज ये चिट्ठी उपलब्ध करवाई है और उन्होंने एक अपील जारी किया है सुमित तिवारी ने कि सभी पारा शिक्षक बधुओं से अपील है कि वे डटे रहे मुकाबले में और वो हार नहीं मारे, क्योंकि उनकी मांगे पूरी होगी लेकिन अगर वो धीरे धीरे टूट जाएंगे तो इससे आंदोलन कमजोर हो जाएगा और वो भरोसा रखे उनके नेताओं पर कि वो इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जो लेटेस्ट अप टू डेट होगा हम आपको जरूर देते जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।